हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे लाल मिर्च का अचार। ये लाल मिर्च का अचार बहुत अच्छा लगता है, तीखा और चटपटा भी होता है। तो आज हम इसे एक नई ट्रिक से बनाएंगे और आप लोग इसे जरूर बनाइएगा। तो चलिए हम इसे फटाफट कट कर लेते हैं और इस अचार के मसाले में हम क्या क्या डालेंगे हम आपको दिखा देते हैं। चलिए हम अचार का मसाला रेडी कर लेते हैं। ये देखिए मेरा अचार का मसाला है, इसमें है धनिया पाउडर, पंचफोरन, सरसों, सौंफ, कलौंजी। अब हम इसमें डालेंगे एक टेबल स्पून हल्दी, एक टेबल स्पून आमचूर, अचार में नमक थोड़ा तीखा ही रहता है, थोड़ा तेज रहता तो अच्छा लगता है, तो इसमें हम 3 से 4 चम्मच नमक डाल देंगे। ये मैंने 4 टेबल स्पून नमक डाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे, ये लाल मिर्च का पाउडर है, मिर्च ऑलरेडी तीखा होती है तो मैं इसे बस 2 चम्मच ही डालूंगी। अब हम नींबू का बीज निकाल के इसमें नींबू का रस डाल देंगे थोड़ा सा, इससे नींबू का अचार का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब हम इसमें डालेंगे सरसों का तेल, हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए परफेक्ट मेरा अचार का मसाला बनके रेडी हो गया है। ये देखिए बची हुई मिर्ची को मैंने ये कट कर लिया है, इसको मैं रफली चॉप कर लूंगी। ये देखिए चाहे जैसे भी आपका मन करे वैसे कट कर लीजिए, ये ऐसे ही अच्छा लगता है और ये झटपट बनके रेडी हो जाता है। इसे आप आज बनाइए और कल खाना स्टार्ट कर दीजिए। और ये वाली मिर्ची मैंने काट लिया है, रफली चॉप कर लिया इसे मैंने। अब ये जो मिर्च का जो बीज बचा था मैं इस मसाले में ऐड कर लूंगी। इसी में मैं इसको भी ऐड कर लूंगी, नमक ऐड कर लेते हैं और इसमें थोड़ा तेल ऐड कर लेते हैं। अब इन सबको हम हाथों से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए देखने में अचार कितना अच्छा लग रहा है। अब मैं इसे कांच के शीशी में भर के रख देती हूं। ये देखिए अब आप इसमें थोड़ा सा तेल डाल देंगे। ये देखिए अब हम इसे 2 दिन के लिए धूप में रखेंगे दोनों अचार को। ये देखिए